हमारे जो ये टॉपिक है क्षेत्रमिति, और इसके अंदर हम जानेंगे कि वर्ग का परिमाप, आयत का परिमाप, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसकी अवधारणा के विषय में हम स्पष्ट करेंगे। यह आकृति कैसी होती है? अच्छा, इस वर्ग के आकृति के अंदर आप सभी के पास, ये समूह के पास ये है भी बने हुए यही वर्ग, आप बता सकते हैं कि इसकी क्या विशेषता है? परिमाप की बात करें तो आप जानते हैं कि परिमाप के अंदर क्या आता है, परिमाप के अंदर क्या होता है, जैसे हम खेत की मेड़ पे चारों तरफ घूम रहे हैं, जैसे अभी आपकी किताब का हमने ये सब आपसे करवाया था, नब्बाई थी आपको परिमाप, तो ये आप देख सकते हैं। अगर हम इस परिमाप की बात करें, इसकी वर्ग के परिमाप की, तो कितनी होगी परिमाप, कितना चलेगी जिनकी सर आपको चार बार, चार बार हम क्या कहेंगे, चार चार एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार चार भुजा, चार भुजा के बीच में हम लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब जितना एरिया वो घेरे हुए। अब यहाँ पे हमने कुछ कुछ दूरी पे खाने बना रखे हैं, जैसे भी नाप सकते हैं, तो देखिए ये कितने खाने हैं, एक दो तीन चार पाँच, और इधर कितने हैं ये, एक दो तीन चार पाँच, यानी पांच पांच बार, यानी क्या हुआ पांच पांच बार। देखो पांच को पांच बार अगर मैं जोड़ू, पांच प्लस पांच प्लस पांच प्लस पांच प्लस पांच, यानी कितने होगा ये सब मिला के, अब पांच पांच बार में क्या लिख सकते हैं, पांच गुणा पांच। तो क्योंकि वर्ग के अंदर क्या होता है, ये होती है लंबाई और ये क्या होती है चौड़ाई, ये वर्ग के अंदर लंबाई और चौड़ाई आपस में कैसी बराबर, तो लंबाई को भी भुजा कह देते हैं और चौड़ाई को भी, और हमें इस बात से पता लगा पांच पांच बार, यानी पांच गुणा पांच, बार बार जोड़ने की गुणा होता है, हम क्या ले सकते हैं इसे भुजा गुणा भुजा। अब हम बात करते हैं जब आयत की, आयत की क्या खास बात दिखाई देगी जल्दी से बताइए सर, आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो ये कोण इनके कैसे हैं, ये पांच बार। एक तरीका तो यह है कि मैं आठ को आठ प्लस आठ प्लस आठ प्लस आठ प्लस आठ, ये सब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, चालीस, और ये क्या है, आठ कितनी बार है, पांच बार, क्योंकि गुणा में क्रम मिले हुए का नियम होता है, तो आठ पांच बार, यानी आठ गुणा पांच, यानी आठ क्या हुई लंबाई और पांच क्या हुई इसकी चौड़ाई, तो आठ पंजे चालीस, बार बार जोड़ना ही गुणा होता है, इसलिए अगर हमें किसी आयत का क्षेत्रफल पता करना हो तो हम उसकी लंबाई नाप लेंगे और उसे किससे गुणा कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे, तो हमें पूरा क्षेत्रफल पता चल जाएगा। अब आती है आयत का परिमाप। अब देखिए आयत के अंदर ये सामने आमने सामने की कैसी है, ये भुजा एक बराबर है, यानी अगर आयत का परिमाप निकालना हो तो यानी चींटी को हमें चारों तरफ चलाना है, चींटी के खेल के हमने खेला था अभी, क्या है इसको चारों तरफ नापना, तो आपने क्या देखा, दो बार लंबाई है और दो बार चौड़ाई है, एक तरीका क्या है, हम लंबाई को चौड़ाई को जोड़ दें और जोड़ने के बाद उसका क्या करते हैं, दुगना। तो कोई आपसे कहे आयत का परिमाप तो आप कहेंगे दुगना, किसका दुगना, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये इसका हो गया। अब देखिए ये आता है अगला टॉपिक हमारा आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये बना हुआ है वर्ग, इस वर्ग के अंदर मैंने इस कोनों को जब मिलाया और इस आयत में मैंने इन कोनों को मिलाया, ये आकृति रंगी हुई क्या बन गई, त्रिभुज। जरा गौर से सबके पास है भी ये, और इन आकृतियों को आप गौर से देखिए, ये त्रिभुज इस आकृति का और ये त्रिभुज इस आकृति का कैसा है, आधा आधा, कैसा है आधा आधा, कैसा है आधा आधा है, यस सर, यानी ये क्या था आयत, आयत का क्षेत्रफल कितना था, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आपसे तो कह रहे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकला, आधा करने पे निकला किसका, वर्ग और आयत का, तो यानी हम आधे करने के तो एक बटा दो, किसका लंबाई, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई नहीं आएगा, देखिए यहाँ पे क्या अंतर होगा,
अगर मैं ऐसी आकृति बना दूं, ये भी आयत है yes, और यहाँ पे मैंने इस कोने को मिलाया इन कोनों से, तो ये भी त्रिभुज बना yes, ये आकृति भी त्रिभुज है yes, तो इसमें क्या होता है, ये नीचे लेटी हुई है ये जो लंबाई है, इसे हम कह देते हैं आधार। क्या कह देते हैं? जैसे हमारे मकान में आधार रखते हैं हम, नीचे जो होता है, तो हम लंबाई को तो क्या कहेंगे? आधार। और चौड़ाई की जगह क्या लिखते हैं? ऊंचाई। देखिए ये जो है ये संगत ऊंचाई, देखो यहाँ पे तो ये इसकी क्या है, चौड़ाई ऊंचाई हो गई, लेकिन यहाँ पे अगर बीच में देखें तो ये चौड़ाई, ये तो चौड़ाई है, ये संगत ऊंचाई जो आएगी, जैसे ये त्रिभुज देखिए टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, है ना, नहीं है, तो ये जो ऊंचाई, ये ऊंचाई नहीं आएगी, तो ये त्रियक ऊंचाई है, ये जो संगत ऊंचाई आएगी सीधी वाली, सीधी बिल्कुल सीधी, जो इस पर लंब डालने पर आएगी, यानी इस भुजा को मैं आगे बढ़ा दूं, ये संगत ऊंचाई, यहाँ पे क्या रहेगा, चौड़ाई कितनी रहेगा, ऊंचाई। तो अब यहाँ फार्मूला नहीं रहेगा, इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, एक बटा दो आधार ऊंचाई। अब देखिए इसी के अंदर हम देखते हैं, जल्दी सब बच्चे देखेंगे टॉपिक को हमारा, इस सफल से हम पहचानेंगे कि आकृति हमारी कैसी बनी हुई है, और इस आकृति को फिर हम देखेंगे इस पे, देखिए ये दूरी भी कितनी चला, एक दो तीन, और ये भी कितनी है, एक दो तीन। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा, ये तो मैंने, अब देखिए आकृति कैसी हो गई, एक दो तीन चार, और इधर कितना, एक दो तीन, ये आकृति कैसी हो गई। अगर मैं इधर से बल लगा दू, नीचे से तो फिक्स रखू, इधर से बल लगा दू, तो बल लगाने पर देखिए आकृति इस तरीके से चेंज, यह आकृति बनी। अब ये जो आकृति बनी, इस आकृति की खास बात आपको क्या दिखाई दे रही है, आमने सामने की भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं, और कैसी है, समांतर, जैसे रेल की पटरी का बताया था आपको समांतर, तो ये आकृति जो बन के आई इसे हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज, जैसे कहेंगे समांतर चतुर्भुज। देखिए ये बन के आई आपकी आकृति, इसके अंदर आपको दिखाई दे रही, देखिए दिख रही है यस सर। अब इस समांतर चतुर्भुज का हमने नाम रख दिया ए बी सी डी, ठीक है yes, sir. अब हमने क्या करा, ये समांतर चतुर्भुज है हमारा, हम इसको लिख रहे हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, बना तो ये आयत से ही है yes, लेकिन आयत तो हमने क्या करता, ऊपर के हिस्से को हमने बल लगा के टेढ़ा करके, तो हमने सामने की भुजाएं तो बराबर ही है yes, ये मैंने नापा नहीं है, इसे चित्र को मैंने जल्दी से बना दिया है, और उसका नाम मैंने क्या रख दिया ए बी सी। अब इसमें क्या करा हमने, ए से सामने वाली बी सी भुजा पे हमने लंब डाला, लंब का मतलब ये 90 डिग्री का होगा, इसने बी सी को कहां काटा, एल पे। अब हमें क्या करना है, ये जो टुकड़ा हुआ ये जो लंब डालने पाया, इस टुकड़े को हमने कैंची से काट लिया, क्या कर लिया, काट लिया, और कैंची से मैंने इसे काट के देखिए ये है टुकड़ा, ये सवाल है, इस टुकड़े को मैंने कैंची से काट लिया yes, और इस टुकड़े को काट के मैंने जैसे यहां लगाया, ये बताना आकृति कैसी बन गई है, आयत, कैसी बन गई, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई। तो इसका मतलब जब ये समांतर चतुर्भुज को हमने आयत बना दिया, तो इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन यहाँ पे अंतर क्या होगा, इसे हम देखेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बिटाने वाला होगा, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पे क्या होगा, जो काम हमने यहाँ करा था yes, वही काम यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या हुआ, इसकी लंबाई को तो हम क्या कहेंगे, क्या कह देंगे, इसको लंबाई को आधार, और चौड़ाई को क्या कह देंगे, ऊंचाई। तो हम इसे सीधे सीधे लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई को मैंने। अब अगला आता है हमारा
अब समचतुर्भुज किससे बनता है? समचतुर्भुज बनता है किससे? वर्ग से। वर्ग को अगर हमने ये आकृति हमारी वर्ग है, इधर भी हमने चार ले ली ऊर्जा और इधर भी हमने चार का डिस्टेंस ले लिया और हमने वही करा, इधर से ऊपर हिस्से से हमने फोर्स लगाया और इसको हमने इस तरीके से आकृति बना ली। तो ये आकृति जो आप देख रहे हैं, ये आकृति कैसी बनी? समचतुर्भुज। देखिए इधर से एक दो तीन चार, इधर से एक दो तीन चार, चारों भुजाएं तो बराबर ही रहेंगी। यस सर। ये चारों भुजाएं बदल जाएंगी? नहीं सर। चारों भुजाएं तो बराबर ही रहेंगी। यस सर। क्योंकि कोण जो वर्ग में कितने 90 डिग्री के थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गए? परिवर्तित हो गए। यहाँ पे 90, ये तो 90 से छोटा हो गया, ये 90 से ज्यादा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको कहे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, बच्चे आगे देख लेंगे। अगर मैं समचतुर्भुज को इसको इस तरीके से, ये समचतुर्भुज आकृति है, इसको फोल्ड करूँ एक बार, फिर दो बार फोल्ड करूँ, तो आप क्लियर देख सकते हैं ये यहाँ पे कितने त्रिभुज बन के आए, कितने त्रिभुज बन के आए बच्चों? चार। चार त्रिभुज बन के आए। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर मुझे इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो मैं खाली क्या करूँगा, देखिए एक ये जो त्रिभुज एक बना, कौन सा त्रिभुज बना? एस पी ओ। इसका इसका क्षेत्रफल निकाल के उसका क्या कर दूं? चार गुना। उसका पूरा का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो मैंने चार गुना मतलब चार गुना क्षेत्रफल किसका? एसओपी का क्षेत्रफल। एसओपी त्रिभुज का, एसओपी। अब चार गुना एसओपी का क्षेत्रफल कितना हुआ? 1/2। इसका आधार क्या है? पीओ। पीओ और इसकी ऊंचाई कितनी है? एसओ। तो पीओ गुणा एसओ लिख दिया। आप देखिए चार की जगह चार, गुणा की जगह गुणा, 1/2 की जगह 1/2। अब पीओ को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये पीओ क्या है? इस पूरे का क्या है? आधा। यानी पीओ को क्या लिख सकता हूँ? 1/2 पी आर। तो पीओ की जगह मैंने क्या लिख दिया? 1/2 पी आर। एसओ की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1/2 एस क्यू। 1/2 एस क्यू। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, दो से इसे भाग करा, दो दूनी चार, दो से इसे भाग करा, दो एकम दो। अब यहाँ पे सब में देखो क्या बचा रह गया? खाली 1/2 बचा रह गया। यस सर। और ये क्या रह गया? पी आर गुणा एस क्यू, ये तो रह गया। यस सर। ये पी आर और एस क्यू क्या है? ये है विकर्ण। विकर्ण। अगर किसी समचतुर्भुज में हम समचतुर्भुज में इसके कोनों को अगर हम मिला दें तो ये जो आकृति बन के, ये जो बन के आता है, इसे हम क्या कहते हैं? विकर्ण। विकर्ण। देखो ये बन के जो आया है, ये दो दिखाई दे रही है लेकिन एक भुजा मानी है, रबड़ लगाई है हमने, तो ये क्या बन के आया? धागे से भी देख सकते हैं, ये क्या बन के आते हैं? कोने जब मिलाते हैं आमने सामने के, विकर्ण। तो इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2, और क्योंकि ये दोनों विकर्णी तो हैं, क्या होगा? विकर्णों का गुणनफल। तो ये क्षेत्रपति था मैं, डॉक्टर सचिन शुक्ला, SRG, मुर्दवार। धन्यवाद।